जैसे किसी की खिदमत करना। एक शख्स भी जमात के लिए जा रहे थे, एक रेड़ी पर, रेड़ी वाला जो है वो चढ़ाई चढ़ा रहा था, रेड़ी चढ़ नहीं पा रही थी, वो मुतलाशी नजरों से किसी की मदद को तक रहा था, कोई मदद करे कोई मदद करे, लेकिन सब लोग अपनी मसरूफियात में गुजर रहे थे, जोहर की नमाज का वक्त था, वो शख्स जमात का बड़ा पाबंद था, अच्छा। आखिरी 2-3 मिनट रह गए थे कि जमात निकल जाती, वो तो डिसाइड कर रहा था कि वो जमात पढ़े या रेड़ी वाले को धक्का लगा के चढ़ाई ऊपर चढ़ा दे। तो उसके दिल ने फैसला किया कि नहीं है, तो मैं शायद मुझे मिल भी जाए, लेकिन रेड़ी वाला बेचारा गर्मी की शिद्दत में, धूप में, पसीना पसीना होकर रेड़ी चढ़ाई पर नहीं चढ़ा सकेगा, अकेला बेचारा थक जाएगा, हो सकता है बेहोश होकर गिर भी जाए। सही उसने जमात छोड़ दी सही और चढ़ाई पर उस रेड़ी वाले को धक्का देकर रेड़ी चढ़ा दी, सही और अल्लाह का करना ऐसा वासिफ भाई कि उस शख्स को जमात भी मिल गई, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, तो सही बात है, बिल्कुल। अल्लाह जहाँ तो हम लोगों को सिद्दीक भाई, मदद एक चीज और भी है, आपने देखा होगा फी जमाना अगर हम देखें तो हुस्न अखलाक का नाम और निशान ही नहीं मिलता। रोजे के अंदर अगर हम रमजानों में देखें तो ऐसा लगता है कि शायद वो उनके हाथों में अगर कुछ दे दिया जाए तो वो कत्ल कर देंगे एक दूसरे का। रोजा ऐसा लगता है कि वो अपने लिए रखते हैं या दिखावे के लिए रखते हैं, मतलब फी जमाना तो हुस्न अखलाक नजर ही नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बर्दाश्त की कमी है, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, दीन से दूरी है, लुक्मा हलाल नहीं है और सच बोलने की आदत हम में नहीं है, दीनदारी से इतना दूर होते जा रहे हैं, और किया जा रहा है प्रोग्राम के तहत सही। ये प्रोग्राम मतलब इन लोगों का जो जो लोग दीन से दूर करते हैं, इनका प्रोग्राम 1-2 साल का नहीं होता, इनको सारा प्रोग्रामिंग पता होती है कि 25 साल बाद जिस स्ट्रेटजी के साथ हम चल रहे हैं, तो 25 साल बाद ये नौजवान नस्ल जिसके हाथ में आज ही से इंटरनेट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो ये जब बच्चे 10-11 साल के बच्चे 25-30 साल 35 साल के हो जाएंगे तो वजू कैसे किया जाता है, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रोजा क्यों रखा जाता है, दीन क्या है, मजहब क्या है, इसके नाम से एलर्जिक हो जाएंगे बजाय सीखने के, एलर्जिक हो जाएंगे। अच्छा एक चीज और भी है, मैं आपसे हाँ सही सही नहीं, आप कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें। बच्चों को भी आप देखें, नौजवानों को देखें, हम दीन की बात करते हैं तो वो इरिटेट होते हैं, सही बात, उनके मुंह बन जाते हैं, यार क्या मुल्ला लोग दीन की बातें कर रहे हैं। सही जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ मैं ये कह रहा था कि मैंने इत्तेफाक से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी, और जैसे कि अभी आपने कहा ना सच की आदत हमारे अंदर खत्म हो गई है, तो बड़ा अच्छा वहाँ लिखा हुआ, मैंने एक पोस्ट पढ़ी और फिर मैंने वो शेयर भी की कि अगर सच बोलने की आदत है तो तन्हा चलना सीख लो। सच बोलने की अगर आपको आदत है ना तो आप तन्हा चलना सीख लो, यानी कि सच के साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं है, सही बात बिल्कुल कह रहे हैं आप, लेकिन खैर अल्लाह की मदद शामिल हाथ शामिल हाल होती है, जो शख्स अल्लाह के लिए सच बोलते हैं जी, और जो लोग अल्लाह रास्ते पर चलते हैं, मुश्किल तो वो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ मुझे हर्डल्स आएंगी। हमने कुतुबुद्दीन शाहब को पढ़ा, वो गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बावजूद 1 रुपये की रिश्वत नहीं लिया करते थे, 1 रुपये की रिश्वत। क्या बात, अयुब सदर अयुब खान ने उनसे पूछा कि शाहब ये क्या, एक बहुत तवील वाकया कभी फिर कभी नशिस्त में सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ उन्होंने जुमला ये कहा, सदर अयुब को जवाब ये दिया कि सदर साहब मरने के बाद तो सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए, वो भी अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है वाकई में जनाब, वो भी अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र है। सही बात है, और इसकी तैयारी शायद हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दुनिया में रहने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम दुनिया में कितना रह लेंगे, 50 साल 60 साल 70 साल, वापस तो जाना पड़ेगा। और इसी आखिरी अल्फाजों के साथ सदीक साहब और निगम साहब के कि जनाब अपनी वहाँ की तैयारियाँ आप शुरू करें, क्योंकि यहाँ की तैयारी आप के ख़त्म होने जा रही है, और हकीकत है आप समझते हैं कि आपकी आज 40 साल आपकी ज़िंदगी से कम हो गए अगर आप 50 साल के हैं, तो 10 साल आपके रहेंगे जिंदगी के, तो कोशिश करें अच्छे काम करें, लोगों की मदद करें, हुस्न अखलाक इख्तियार करें, सच बोलें और सच पे खड़ा होने की कोशिश करें। यही पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम से मैं अल्लामा मोहम्मद निजम खान और सिद्दीक बरकती को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आस पास रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोशलों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।